जो मैं बता रहा था कि टेक ओवर में सिनर्जी में बाज दफा कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। दो कंपनीज किसी को आप टेक ओवर करते हैं तो आपको सिनर्जी हासिल हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म की सिनर्जीज होती हैं, फाइनेंशियल सिनर्जी होती है, इकोनॉमिक सिनर्जी होती है, मैनेजीरियल सिनर्जी होती है। तो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स की वजह से बाज दफा आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है शेयर होल्डर की वो अच्छी हो जाती है, सही है, और उसकी वजह से हमें वैल्यूएशन ज़्यादा मिल जाती है। अच्छा, मैं आपको इसका ज़रा ऑफिशियल आंसर की थ्योरी डिस्कस करती हूँ, हमें एक आइडिया हो कि एग्जामिनर ने कोई अच्छा पॉइंट लिखा है इसमें। ये देखें, उसने कंपेयर किया पी रेशो से, द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 16.5 मिलियन, द पी वैल्यूएशन इज 20 मिलियन, वाई इट इज़ हायर। सवाल ही पैदा होता है वाई इट इज़ हायर एंड वाई इट इज़ समटाइम्स लोअर। तो उसका आंसर ये कह रहा है कि आपने सेक्टर एवरेज को लिया है और सेक्टर एवरेज को लेते हुए आपका, हालांकि आपका अपना पी रेशो कितना है उसका 8.25, लेकिन आपने सेक्टर एवरेज को लिया है, इसका मतलब ये है कि सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, और अगर फोबिस इसको एक्वायर करके उस ग्रोथ तक पहुंचने की कोशिश करता है तो फोबिस कंपनी अपना इनपुट इस्तेमाल करके ओवरऑल शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ा सकती है। दिनों का की पी रेशो कंपेयर टू एवरेज कम चल रही है, तो अगर फोबिस इसको एक्वायर करता है और फोबिस अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट डालता है तो ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन, इसका मतलब है मार्केट ये एंटिसिपेट कर सकती है कि फोबिस इज़ अ बड़ी कंपनी, तो बड़ी कंपनी जब इसको टेक ओवर करेगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। एज कम्पेयर टू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 14.75%। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम वैल्यू दैट शेयर होल्डर विल एक्सेप्ट इफ द कंपनी मेक्स एन ऑफर टू बाय द शेयर्स। इन रियलिटी दे वांट मोर देन दिस एज एन इंड्यूसमेंट टू सेल। द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 16 मिलियन मे रिफ्लेक्ट द बिलीफ दैट स्टॉक मार्केट टेक ओवर इज इमिनेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी इट मे इंडिकेट अ फेयर प्राइस ऑफ द शेयर एटलीस्ट ऑन मार्जिनल ट्रेडिंग बेसिस। अच्छा, जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम तो सबसे पहले सवाल उठाएंगे कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इट्सेल्फ सही है क्या? अगर आज किसी कंपनी की शेयर्स वैल्यूएशन ज़्यादा चल रही है तो ज़रूरी है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वाकई आज स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है तो ज़रूरी है आज उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, और अगर 2 घंटे बाद उसकी वैल्यू गिर जाती है तो 2 घंटे में क्या उसकी वाकई परफॉर्मेंस ख़राब हुई? ऐसा नहीं है। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से मार्केट जो है डिफरेंट रिएक्ट कर रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ही सही हो। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि अगर DVM 14.75 आंसर दे रहा है तो DVM के अंदर ग्रोथ रेट का मसला है, DVM के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मसला है। अगर ये डेटा आपका एक्यूरेट नहीं हो तो अल्टीमेटली DVM अंडर स्टेट भी हो सकता है। अगर अगर आप हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी डालेंगे तो DVM आंसर नीचे लेके चला जाएगा। तो हमने इसके अंदर यही देखना होता है कि सूटेबिलिटी में जब भी हम बात करेंगे तो हम मेथड की प्रॉज और मेथड के कॉन्स को हल्का फुल्का डिस्कस करके बता सकते हैं कि वाई अदर मेथड्स आर सूटेबल एंड वाई अदर मेथड्स आर नॉट सूटेबल। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी हो गई, मार्केट एफिशिएंसी, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट एफिशिएंसी का जो टॉपिक है थ्योरेटिकल, वो ये डिस्कस करता है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है क्या ये ट्रू वैल्यू है। स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी की जो प्राइस चल रही होती है क्या वो उसकी ट्रू वैल्यू होती है? क्या कोई ये कह सकता है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये क्लेम करता है कि स्टॉक मार्केट्स एफिशिएंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक मार्केट इज एफिशिएंट? हम ये सवाल पूछते हैं, स्टॉक मार्केट एफिशिएंट है
तो इसका मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट एफिशिएंट है। जैसे अगर कोई बंदा ये बोले कि यार ये सामने वाला बंदा बहुत एफिशिएंट है, तो मैं कहूंगा इसे सब कुछ पता है। किसी को भी कुछ पता होता है और वो ये सोचता है कि इसे नहीं पता होगा, जब उससे पूछता है उसे पैसे सब पता होता है। तो इसका मतलब है ये बंदा एक्स्ट्रा स्मार्ट है। तो क्या स्टॉक मार्केट भी एक्स्ट्रा स्मार्ट है? हम कहते हैं इसका पता कैसे चलेगा? हम कहते हैं टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर एफिशिएंसी। जब हम टेस्ट करते हैं तो हम तीन तरह के टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट होता है वीक फॉर्म एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए, दूसरा टेस्ट होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी से चेक करने के लिए, और तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी चेक करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय वीक फॉर्म? अगर एक स्टॉक मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या होता है? शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल अवेलेबल पास्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपकी स्टॉक मार्केट हर तरह की पास्ट इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट शेयर प्राइस के अंदर डाल चुकी है, तो हम कहेंगे स्टॉक मार्केट मिनिमम एफिशिएंट है, विच इज अ वीक फॉर्म एफिशिएंट। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट कौन सी होती है? जहां पर स्टॉक मार्केट जो है शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट करती है ऑल पास्ट इंफॉर्मेशन। पास्ट तो होगी ना अगर सेमी स्ट्रॉन्ग होगी तो, एंड और कौन सी इंफॉर्मेशन? पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। पास्ट इंफॉर्मेशन में और पब्लिक इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? क्या ख्याल है अजीम? पास्ट इंफॉर्मेशन में और पब्लिक इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? तो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है जो ये होता है ना, अभी अभी अनाउंस हुई है, पब्लिक को बिल्कुल। जस्ट अनाउंस्ड, अभी अनाउंस हुई है। अब अगर एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में अपनी कोई चीज अनाउंस करती है, तो क्या इसका मतलब होगा कि इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस में चेंज आ जाएगा? अगर ऐसा है कि इमीडिएटली स्टॉक प्राइस में चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे स्टॉक मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट है। और अगर थर्ड कैटेगरी पे जाएं और ये कोई क्लेम करे कि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, तो शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? पास्ट, पब्लिक एंड इनसाइडर इंफॉर्मेशन। क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन शेयर प्राइस के अंदर आ सकती है? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। स्टॉक मार्केट को कैसे पता लगेगा कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी पहले से स्टॉक मार्केट को पता लग गया? सही है। तो इसलिए हम क्लेम करते हैं यूके एंड यूएसए मार्केट्स आर सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट। दुनिया की कोई भी स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे ही पूछे, व्हाट इफ मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग? अगर वाकई मार्केट स्ट्रांग हो जाए तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी बताओ? सर कोई स्टॉक मार्केट को बीट नहीं कर सकता। वो तो एफिशिएंट में भी सेमी स्ट्रांग में भी नहीं कर सकता, वो तो सेमी स्ट्रांग में भी नहीं कर सकता। एक बंदे को पता लगा यूनिलेवर ने डिविडेंड अनाउंस किया है, सही है, वो जाके शेयर्स खरीदेगा, शेयर्स खरीदते ही उसको पहले पता लगा कि प्राइस तो वैसे ही अपडेट हो चुकी है, तो सेमी स्ट्रॉन्ग को भी नहीं बीट कर सकता। अगर स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका पता मतलब क्या होगा? डायरेक्टर्स के जो दिमाग में इंफॉर्मेशन है ना, उसका इंपैक्ट भी शेयर प्राइस के अंदर आ चुका है। पॉसिबल है? जो चीज अभी पब्लिक नहीं हुई उसका इंपैक्ट शेयर प्राइस के अंदर कैसे आ सकता है? दैट्स द रीजन वाई लोग क्या करते हैं, लोग इनसाइडर इंफॉर्मेशन लेते हैं और स्टॉक मार्केट को बीट करते हैं।
ऐसा पॉसिबल है इनसाइडर इंफॉर्मेशन से स्टॉक मार्केट को बीट किया जा सकता है? यस यस सर, हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हें, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं पीएसओ का डायरेक्टर हूँ, तो मेरे भांजे हो, मैंने पीएसओ के बारे में कोई न्यूज आगे जाके पब्लिक करनी है 10 मिनट पहले तुम्हें बता दूं तो कैन यू बीट द मार्केट? आंसर इज यस सर। यस। तो इसका मतलब है कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन को आप थ्रेट देकर, धमकियां देकर रोक सकते हैं कि लोग इनसाइडर इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, इसके अलावा कोई हल नहीं। सो इफ समवन हैज इनसाइडर इंफॉर्मेशन द पर्सन कैन बीट द स्टॉक मार्केट। अब वो बार बार पूछता है कि अगर स्टॉक मार्केट सेमी एफिशिएंट हो तो कंपनी पर इसका क्या एम्प्लीकेशन होगी, शेयर होल्डर्स पे क्या एम्प्लीकेशन होगी, सही है, इन्वेस्टर्स पे क्या एम्प्लीकेशन होगी, फाइनेंशियल जो डायरेक्टर उसके ऊपर क्या एम्प्लीकेशन होगी? तो हम कहेंगे सब मुंह पे उंगली रख के बैठेंगे, सब मुंह पे उंगली रख के बैठेंगे और गैस नहीं करेंगे कि दुनिया में क्या होने वाला है, राइट? क्योंकि उनको ये पता है कि कुछ भी करते रहें, उन्हें ये पता है कुछ भी करते रहें शेयर प्राइस को तो हम मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते, शेयर प्राइस तो सब ठीक चल रही होगी, इसे वो कुछ भी नहीं कर सकते। गॉट इट? अब आप एक अच्छा सा जो है वो स्टडी टेक्स्ट से डिटेल में जाकर स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लें, पास पेपर की थ्योरी पढ़ लें, एफिशिएंट मार्केट के बारे में अच्छी सी थ्योरी पढ़ें और उसको रिटेन करें, वीक फॉर्म की डेफिनेशन, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म की डेफिनेशन अगर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं तो जो मैंने बताया वो बहुत है, इसको ही आप एक पेज में घुमा फिरा के लिख दो। लेकिन अगर अपने वर्ड्स में लिखने की एबिलिटी नहीं है तो डेफिनेशन याद कर लो, वीक फॉर्म एफिशिएंट की, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट की और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। चले जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एजेंडा, दूसरा टॉपिक हमारा डिस्कशन में कंप्लीट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेशन साइड पे अगर मैं जाऊं तो एग्जामिनर क्या पूछेगा पेपर में, क्या पूछता है एग्जामिनर? केई कैसे कैलकुलेट करते हैं, के डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, के पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सही है? सबसे फेवरेट उसका क्या है, सबसे फेवरेट क्या है, के डी। डब्ल्यू ए सी सी कैसे निकालते हैं, सही है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, सही है, इसके अंदर डीवीएम से के ई कैसे निकालते हैं, कैपएम से के ई कैसे निकालते हैं, और कुछ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसके अलावा? लेकिन अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में डीवीएम की थ्योरी लिमिटेशंस, कैपएम की अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस, इसके लिए एक टेक्निकल आर्टिकल है बड़ा ज़बरदस्त सा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसको पढ़ें आप, कैपएम की अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस। अच्छा, इसके अलावा आपकी व्हेन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इज टू बी यूज्ड, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, उसके अलावा सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क का डिफरेंट, ये था सही। और इसके अलावा आपकी एक बड़ी मशहूर जमाना थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब लेट मी शेयर फ्यू आर्टिकल्स, मैं आपको 2-3 आर्टिकल इसके ऊपर विजिबल करता हूँ, वो आप अगर पढ़ लें इत्तेफाक से, अगर आपको मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए और आप वो आर्टिकल पढ़ लें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक आर्टिकल में रेफर कर रहा हूँ आपको, सी दिस, ये चेक करें, इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल ऑन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, ये लाजमी पढ़ के जाएं आप। इसके अंदर उसने बिजनेस रिस्क, फाइनेंस रिस्क, बीटा को अनगियर्ड कैसे करते हैं,
रीगियर्ड कैसे करते हैं, जस्ट एक या डेढ़ पेज का, दो पेज का आर्टिकल है, वेरी वेरी इफेक्टिव आर्टिकल, ठीक है, ये आप पढ़ के जाएं, लाजमी पढ़ के जाएं। और इसके अलावा एक आर्टिकल मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, आप पढ़ के जाएं लाजमी, और वो है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अजम्पशंस लिमिटेशंस। ये देखें, ये अजम्पशंस लिमिटेशन के ऊपर ये आर्टिकल है, ये पढ़ें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दो तीन अजम्पशन लिमिटेशंस वगैरह मैं यहाँ से आपको निकाल के डिस्कस करके बताऊँगा कि क्या अजम्पशंस हैं, क्या लिमिटेशन है। और तीसरा जो आपको पढ़ना चाहिए वो ये आर्टिकल लाजमी पढ़ के जाना चाहिए, विच इज़ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मॉडिगलानी एंड मिलर, ट्रेडिशनल थ्योरी और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का कंपैरिजन। ये तीनों थ्योरीज इसके अंदर बहुत इफेक्टिव तरीके से प्रॉपर वेव के अंदर डिस्क्राइब की गई है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये पढ़ के जाता है, अच्छी तरह से पढ़ ले, तो वो काफ़ी हद तक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, सबसे ज़्यादा एग्जामिन होती है ये कौन सी थ्योरी, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की उसे थ्योरेटिकल सवाल बनाना है ना, तो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक है ये। सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है डिस्कस करें, हाई गेयरिंग से क्या होता है ये डिस्कस करें, फाइनेंशियल रिस्क, ये वो फला 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 सारी चीज़ें यहाँ कवर होती है। ये है मुख्तसरन। सर कुछ एमसीक्यूज भी थे याद आ रहे हैं, इसके एमसीक्यूज दिए थे उसने ना, ग्राफ बना के दिए हुए थे और बोला था ये ग्राफ जो है वो किस थ्योरी का है, ये पेपर का सवाल था, एमसीक्यू 2 मार्क्स। अल्टीमेटली इस थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए यही थ्योरी तैयार कर ली जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड, इसी में से अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ आपके नसीब का एग्जामिनर पूछ लेगा। आपको सक्सेसफुल होना है तो ये पास पेपर का पैटर्न आप याद रखें किस तरीके से आएगा। अब केई कैसे निकालेंगे, केडी कैसे निकालेंगे, केपी कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैसे निकालेंगे, तो हम इसके लिए कुछ सूटेबल जो है वो पास पेपर निकालते हैं और पास पेपर से कुछ सवाल हम इसके डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी एक एलिमेंट सफिशेंटली जो है वो कवर हो जाए। हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सवाल की तरफ एंड लेट्स डिस्कस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किट में बहुत सवाल दिए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो अगर कोई कहे कि लाजमी और लाजमी पूछना एग्जामिनर तो गलत नहीं होगा, हमेशा पूछता है एग्जामिनर, लाजमी पूछता है। अच्छा जी, चलें जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक की डिस्कशन और थोड़ी बहुत हम इसकी एंड में थ्योरेटिकल डिस्कशन भी कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्या कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, 12 नंबर की कैलकुलेशन, ठीक है। फिर डिस्कस करना है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से कैसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जा सकती, की कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है किसका, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, 8 नंबर की थ्योरी। उसके बाद एक और थ्योरी डिस्कस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से, 5 नंबर। अब स्टूडेंट को अगर मैं 3 पॉइंट तो मैं आइडेंटिफाई करने को दूं, बताएं जी व्हाई, बताएं, आर यू एबल टू डू दैट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा क्यों होती है, बताएं। सर वो इसलिए होती है क्योंकि लोन जो होता है उसके अंदर हम सिक्योरिटी मॉर्गेज रखवाते हैं, तभी वो चीप पड़ती है, जबकि इक्विटी के अंदर इस तरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अगर हम सिंपली मॉर्गेज वगैरह नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अगर हम सिंपली ये कह देना कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस तो लिखेंगे, बिल्कुल। उसने पूछा क्यों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर ग्रेटर होती है तो क्यों, अगर हम कह दें हाई रिस्क इसलिए ज्यादा होती है तो 5 मार्क्स कोई देगा, तो हमें तो रीजन पिक कर रहे हैं ना, 3 रीजन पिक करने के, यार वो रीजन क्या है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर होती है, जैसे शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न डिमांड कर रहे होते हैं। अब एग्जाम में ये याद नहीं आते स्टूडेंट्स को,
वो एक ही पॉइंट को घुमाता रहेगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये वो सारी चीजें। सोच के रखो, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सोच के रखो दिमाग में, दिमाग चलाओ, फिर डिस्कस करेंगे। द कंपनी विशेस टू कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग अ डिस्काउंट रेट विच इज सूटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू AMH को। फाइनेंशियल पोजिशन स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 दिसंबर 2012। ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए 4000 के, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें आउटराइट इधर ही, तो 4000 डिवाइडेड बाय 0.5, हाउ मच? आठ हजार शेयर्स आ गए। अच्छा जी, फिर इसके अंदर क्योंकि ये ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए ना, तो इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, KE। कौन से मॉडल से निकालेंगे, डिपेंड्स ऑन डेटा। फिर हमें क्या दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या निकालेंगे, KP। उसके बाद हमें बॉन्ड्स दिए हुए, बॉन्ड्स के लिए क्या निकालेंगे, KD। उसके बाद हमें बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन के लिए क्या निकालेंगे, KD। चार कॉम्पोनेंट्स दिए हुए, KE दिया हुआ है, KP दिया हुआ है, KD दिए हुए, दो KD दिए हुए, ठीक है। अच्छा जी, ये डेटा जो हमें दिया हुआ है, आज ऑर्डिनरी शेयर प्राइस क्या चल रही है, 4.70। कंपनी ने ऑर्डिनरी डिविडेंड अभी कितना दिया है, 36.3। और हिस्टोरिकल डिविडेंड, अभी ये बताओ हिस्टोरिकल डिविडेंड उसने क्यों दिया हुआ, वाई? तो फौरन सवाल पड़ते क्लिक हो जाना चाहिए, क्यों? जी निकालने, ग्रोथ निकालने के लिए, जी निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने इंफॉर्मेशन दी कि प्रेफरेंस शेयर आज ट्रेड हो रहा है इतनी मार्केट प्राइस के ऊपर, 7% जो बॉन्ड है वो रिडीमेबल होगा 5% प्रीमियम के ऊपर, और उसकी मार्केट प्राइस चल रही है इतनी। बैंक लोन जो है उसका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है 4% पर एनम, और टैक्स रेट है हमारे पास 30% पर एनम, टैक्स रेट आ रहा है 30% पर एनम। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, सवाल में लिखा हुआ नहीं है लेकिन डेटा दिया हुआ है, तो डेटा से मैं कैलकुलेट करूंगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो होता है करंट डिविडेंड 1+ ग्रोथ डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस। एंड जी, ये बात जहन में रहे कि ये जो होती है ना, ये क्या उनसी प्राइस होती है, एक्स डिव प्राइस होती है। तो अगर सवाल में एक्स डिव ना दी हुई हो तो आप इसमें कम डिव नहीं डाल सकते, आपको इसको एक्स डिव बना के डालना। तो क्या हमारे पास जी है, जी कैलकुलेट करना है हमें, तो जी कैलकुलेट करने के लिए एन करंट डिविडेंड लास्ट डिविडेंड माइनस वन। सबसे पहले हम जी निकालते हैं, करंट डिविडेंड दिया हुआ है 35, लास्ट डिविडेंड दिया हुआ है 30.9, 35, 30.9 माइनस वन। पावर कितनी लगेगी, पावर लगेगी 1, 2, 3, 3 साल का चेंज आया। कैन यू फाइंड आउट जी, जी बता सकते हैं क्या आएगा, तकरीबन 4.4% आना चाहिए तकरीबन। 13.2 कैसा आएगा, 13.2 कैसा आएगा, जी 13 कैसा आएगा, जी का गलती हो गई, वो ईयर गलती कर 4.2 आ रहा है ना, 4.2 सही, तो जी हो गया 4.2% सही है। अब फॉर्मूले में और क्या है,
फॉर्मूले में है, डिविडेंड दिया हुआ है वो हमारे पास है, जी दिया हुआ है वो हमारे पास है, पी नॉट हमारे पास शेयर प्राइस भी है। तो पी नॉट में सवाल में से उठा लेता हूँ, पी नॉट कितना दिया हुआ है, एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस 4.70 पर शेयर, 4.70 पर शेयर, 4.70 पर शेयर। करंट डिविडेंड कितना दिया हुआ है, करंट डिविडेंड दिया हुआ है 35 क्या है, सेंट्स है, सेंट्स में दिया हुआ है, 35 सेंट्स है, यानी कि 0.35। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 0.35 वन प्लस 0.042 डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, शेयर प्राइस है 4.70 प्लस 0.042। कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना बन रहा है, अगर एग्जैक्ट की बात करें ना तो एग्जैक्ट बनता है 12.1%, तो हम इसको 12 ले लेते हैं, 11.9 भी चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन शेयर प्राइस। तो सवाल में हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ है 4% और प्रेफरेंस की शेयर प्राइस दी हुई है 40 सेंट्स और पार वैल्यू है 1। तो पार वैल्यू है $1, डिविडेंड है 4% और शेयर प्राइस है 0.40। फॉर्मूले में डालें तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा इसका, डिविडेंड हो जाएगा 4%, किस पे लगाएंगे 4%, पार वैल्यू पे, $1 का 4% कितना हुआ 0.04, या फॉर्मूले में डाल दें 0.04 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 100, तो केपी कितना हो जाएगा, टेन परसेंट केपी हो गया। तो के ई आ गया और 10% जो है वो केपी आ गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिडीमेबल डेट की तरफ। कैलकुलेशन में ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल टॉपिक है, रिडीमेबल डेट निकालना, रटी रटाई कैलकुलेशन। इसके लिए आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उसमें वो बता रहा है कि आज डेट की मार्केट वैल्यू चल रही है 104.5, मार्केट प्राइस चल रही है 104.5 और पार वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट रेट है 7%, पार वैल्यू है 100, इंटरेस्ट रेट है 7%, टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। रिडीम होगा ये कितने साल में, रिडीम होगा ये, रिडीम होगा द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल, रिडेम्पशन की कोई डेट नहीं दी गई, 6 ईयर्स एट 5%, किस पर रिडीम होगा, प्रीमियम पर रिडीम। ये डेटा काफ़ी है IRR निकालने के लिए, तो हम इंटरपोलेशन टेक्निक से IRR कैलकुलेट करते हैं और उस IRR से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारी वैल्यूएशन क्या होगी। तो उसका तरीका क्या होता है, शॉर्टकट में सॉल्व करें या लॉन्ग वैल्यूएशन में करें, लॉन्ग में कर लेते हैं चलें। एक कॉलम बना लें एयर का, दूसरा कॉलम बना लें कैश फ्लो का, तीसरा कॉलम बना लें डिस्काउंट फैक्टर का, चौथा कॉलम बना लें पीवी का, फिर डिस्काउंट फैक्टर का कॉलम बना लें, फिर पीवी का कॉलम बना लें। ये आप कॉलम बना के इससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव NPV कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, 0 और 1, 2, 6 और 6,
ये वैल्यूएशन कर लें तो ज़ीरो पे क्या आएगा, ज़ीरो पे आएगा करंट मार्केट प्राइस 104.5, करंट मार्केट प्राइस आ गई। अच्छा जी, इंटरेस्ट आएगा 126 में, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा 100 का 7%, टैक्स के निकाल के निकालेंगे 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स करेंगे 4.9। रिडीम किसके ऊपर होगा, सही है, वैल्यू सही ली है, सही है ना वैल्यूज 104.5, 4.9 और 105, सही है ना वैल्यू। और डिस्काउंट फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है, वो डिस्काउंट फैक्टर हमें तुक्का लगाना ना, डिस्काउंट फैक्टर। अब स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि यार पहला डिस्काउंट रेट हम कौन सा लगाएं, तो अगर आपके पास 7% का कूपन रेट दिया हुआ है तो मैं कहता हूँ 7% ही लगा दें, या आइडियली 7 से नीचे ले आए, 5% लगा दें, 5% लगा दें। 5% पे आपको एन्यूटी फैक्टर चाहिए और 5% पर आपको पीवी फैक्टर चाहिए, ये मैं दे देता हूँ एन्यूटी फैक्टर और पीवी फैक्टर 5% पे 5.076, तो मल्टीप्लाई करो इसको, और 0.746 मल्टीप्लाई करो, नेट ऑफ करो, ये माइनस में नेट ऑफ करें इसको, माइनस बता, चेक करें यार, जी यार ठीक है। 5% पे डिस्काउंट रेट लगाने के बाद अगर एनपीवी नेगेटिव आ गए तो मैं 6% पे जाऊंगा तो ये और नेगेटिव होगी, तो मैं चलता हूँ 4% पे, 4% का फैक्टर मैं आपको दे देता हूँ, एन्यूटी फैक्टर है 5.242 और पीवी फैक्टर है 0.790। अब मल्टीप्लाई करें, अच्छा 4.9 को अगर मल्टीप्लाई करें 5.242 से तो आंसर 25.6 नहीं आता, 4.9 को अगर 5.242 से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है, 26.6 या 25.6 आता है, राउंडिंग ऑफ से फिर मसला हो जाएगा, तो आपका फिर IRR थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा ना, 25.6। और लास्ट वाली फिगर क्या आएगी, 83 कर लें इसको, नेट ऑफ करें, 83 आ रही है, नेट ऑफ करें, फोर पॉइंट जीरो फाइव। 4% पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 5% पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो IRR कैसे निकलेगा, IRR होता है लोअर रेट, लोअर रेट 4% प्लस लोअर रेट के ऊपर एनपीवी डिवाइडेड बाय लोअर रेट के ऊपर एनपीवी माइनस माइनस प्लस हायर रेट के ऊपर एनपीवी मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला एग्जाम में गिवन होता है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आप पहले ये 4
फोर प्लस वाले बाद वाले राइट साइड वाले को सॉल्व करें, और उसके बाद आपको एग्जैक्ट जो आंसर नजर आएगा वो नजर आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.8%। चेक कर लें एडी ऑफ रिडीमेबल डेट। जी सर 8% आ रहा। तो रिडीमेबल डेट जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसकी कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है 4.8%। अच्छा, बैंक लोन भी है हमारे पास, तो बैंक लोन का हमारे पास जो वेरिएबल रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4%। टैक्स रेट कितना है? बैंक का केडी कैसे निकालते हैं? लोन 30% इंटरेस्ट इनटू वन माइनस माइनस टी। टी, तो इंटरेस्ट रेट कितना है? 4% 0.3, तो केडी हो सर ये आ गया, गया 0.2.8। ये आ गया केडी। सही है जी, चार कंपोनेंट्स आ गए। के ई आ गया, के पी आ गया, के डी वन आ गया, के डी टू आ गया। अब निकालनी है मार्केट वैल्यूज, अब जाना है हमें मार्केट वैल्यूज के। तो मार्केट वैल्यूज भी चार होंगी, चार कंपोनेंट्स है तो मार्केट वैल्यू भी चार ही होनी चाहिए। तो पहली मार्केट वैल्यू निकालते हैं हम इक्विटी की। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर शेयर्स मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई बाय करंट शेयर प्राइस। नंबर ऑफ शेयर मैंने सबसे पहले टॉप पे निकाल लिए थे, 8,000 शेयर्स हैं, 4.7, 8,000 शेयर्स हैं, 4.7। तो शेयर प्राइस गिवन थी। शेयर प्राइस गिवन, टीवीएम में भी तो डाली है हमने। जी सही आ गया 37,600। 37 पॉइंट, 37,600 37,600, ये इक्विटी का कंपोनेंट आ गया। प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू क्या होगी? सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट में से मिलेंगे, 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और प्राइस है 0.4। सर। ये देखें, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए ये रहे 1200 है जी। 3,000, और शेयर प्राइस नीचे दी हुई थी, कितना आ गए? 1200। सही है, 1200 रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट की बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू लें बैलेंस शीट से, उस बुक वैल्यू को डिवाइड करें पार वैल्यू से, एक सर्टिफिकेट की पार वैल्यू लें डिवाइड और करें पार मल्टीप्लाई कर वैल्यू। दें मार्केट प्राइस से। सो टोटल बुक वैल्यू बैलेंस शीट से लेंगे, टोटल बुक वैल्यू आ गई 3,000। 3,000 डॉलर का बॉन्ड है, एक की पार वैल्यू कितनी है? 100, और 104.5 की मेरे ख्याल से मार्केट प्राइस। थ्री वन थ्री फाइव अच्छा जी, बैंक लोन की मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर होती है, तो बुक वैल्यू कितनी है? 1,000, तो मार्केट वैल्यू भी कितनी होगी? हजार इन सब को प्लस कर लें, टोटल टोटल वैल्यू कर लें, 37,600, 38,600, 38,800, 39,800 और 3,135 ऐड कर लें, ये बनता है 42,935।
अगर गियरिंग रेशियो निकालना हो तो निकल सकती है इस डेटा से? निकल जाएगी तो क्या फॉर्मूला होता है गियरिंग रेशियो का? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। सर हमारे पास इक्विटी। जी तो सर डेट में क्या क्या चीजें लेंगे सवाल में? डेट भी मौजूद है, इक्विटी भी है। इसमें क्या क्या चीजें लेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे सर 3135 आ गए अकाउंट। और भाई देखें ये तो कंफर्म डेट है ना, 1,000 3135 से 1,200 भी लेंगे सर। ये तो कंफर्म प्रेफरेंस शेयर डेट भी है आना और चाहिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा, सही है? जी ये तीनों है। तो हाँ चले अब बाकी आगे। इक्विटी 37 की भी। अब वैक निकालते हैं, 12 नंबर का वैक का सवाल। तो वैक होगा के ई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ई, के पी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू पी, के डी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू डी। यही फॉर्मूला होता है? अच्छा वो जो फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है ना फॉर्मूला शीट में, अब वो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12% के ई है, के ई की वेटेज कितनी है? 37,600। 10% के पी था, के पी की वेटेज कितनी है? 1,200। 4 पॉइंट इंटरनेट का इशू हो रहा है, आवाज कट के आ रही है। लेट्स बिगिन अगेन। तो हमारे पास जो वैल्यूएशन हम कर रहे थे तो के डी हमने कितना निकाला था? के डी था 4.8%। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 3135, सही है? और वो था 2.8% मल्टीप्लाई बाय 1,000 होल डिवाइडेड बाय 42935। चलें लिमिटाइन कैलकुलेशन डब्ल्यू ए सी से आंसर लिख दूं डायरेक्ट, आंसर आएगा 11.3%। आंसर आएगा 11.3%। कंपनी का एग्जिस्टिंग डब्ल्यू ए सी सी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में करने जा रहा हूँ, एग्जिस्टिंग डब्ल्यू ए सी सी। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग डब्ल्यू ए सी सी बाय द वे? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग डब्ल्यू ए सी सी, इसका क्या मतलब होता है एग्जिस्टिंग डब्ल्यू ए सी सी? एनी आईडिया? कुछ भी सर, यानी कि फाइनेंसिंग से पहले क्या व्यक्त था? नहीं, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग का पता मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग का मतलब हम ये लेते हैं कि कंपनी का करंट रिस्क प्रोफाइल क्या है, सही है? कंपनी का करंट रिस्क प्रोफाइल क्या है? तो अगर कंपनी का करंट रिस्क प्रोफाइल इस नए प्रोजेक्ट की वजह से, इस नई फाइनेंसिंग की वजह से वही रहता है, तो हमें तो वैक को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। हम हर नए प्रोजेक्ट के लिए यही वैक इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा अब देखें एक डिस्कशन है, आपको उसी आर्टिकल पे ले आया। क्या डिस्कशन? डब्ल्यू ए सी सी एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोवाइडेड दैट अ नंबर ऑफ अजम्पशंस आर मेट। ये कह रहा है कि जी आप डब्ल्यू ए सी सी को एज अ डिस्काउंट रेट इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट ये चार कंडीशंस मीट हो। पहली कंडीशन क्या है? द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज स्मॉल कंपेयर टू द इन्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? कि आप जो नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में उसका साइज छोटा है। नंबर टू, द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर सिमिलर टू द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द करंट ऑपरेशन, ये होना चाहिए। तीसरा, the financing mix used to undertake the project is similar to the current capital structure. Tisra. Chautha, existing finance provider
डू नॉट चेंज दियर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन। अगर ये तमाम कंडीशन मीट हो जाए तो हम WACC कौन सा इस्तेमाल करेंगे? These assumptions essentially state that WACC can be used as the discounted, provided that the investment project does not change either the business risk or the financial risk of the organization. Correct? अच्छा, अगर business risk change हो जाता है तो capital asset pricing model से हम क्या निकालेंगे? Project specific cost of calculation. Capital. सही? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये मैंने थोड़ा सा इस बात को भी आंसर कर दिया कि एग्जिस्टिंग वैग जो है वो कब सूटेबल होता है और कब सूटेबल नहीं होता। अब इसने पार्ट बी में क्या पूछा? क्या पूछा पार्ट बी में? हाउ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्कस सिस्टमेटिक रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। क्विक, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अगर इस्तेमाल किया जाए तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से कैसे हम जो है वो कैलकुलेशन कर सकते, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट की? पहला काम क्या करते हैं? प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? उसका बीटा लेते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं? उसको अनगियर्ड करते हैं। चौथा काम क्या करते हैं? उसको रीगियर्ड करते हैं और हमारे पास प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाती है। सही? अच्छा, उसने कहा कि फिर आप ये बताएं कि ये जो है सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है और बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसके बारे में क्या आइडिया? अगर बिजनेस रिस्क सेम रहे, अगर फाइनेंशियल रिस्क सेम रहे, साथ आप बताएंगे कि जी बिजनेस रिस्क बेसिकली होता है क्या है, जो कंपनी के ऑपरेशन से अराइज होता है और कंपनी की जो उसकी अर्निंग्स हैं, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करता है। एक कंपनी का बिजनेस ज़्यादा हो सकता है दूसरी कंपनी के मुकाबले में। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो कि मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है और वो एलिमिनेट नहीं हो सकता, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से क्रिएट होता है। सही है? लिख दूँ? ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मेरे लिखने से ज़्यादा बेहतर है आप जो ना अपने नोट्स को रेफर करें, स्टडी टेक्स्ट को रेफर करें ताकि आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन मिले। बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है और सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। अगर सिस्टमेटिक पूछा तो अनसिस्टमेटिक भी होता होगा। अच्छा जी, बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क होता है कंपनी के ऑपरेशन से अराइज होता है। इसमें दो चीजें होती ना, एक तो सेल्स का रिस्क होता है और दूसरा कॉस्ट का रिस्क होता है, खासतौर पर फिक्स कॉस्ट का बढ़ना। और इसके लिए कौन सी गियरिंग कैलकुलेट की जाती है? तुम्हें याद होगा कौन सी गियरिंग कैलकुलेट की जाती है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम देखेंगे ऑपरेशनल गेम। सही है? अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? रिस्क ड्यू टू इंक्रीज इन डेट फाइनेंस। सही है जी, सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूँ मैं। अगर आप अपनी बैलेंस शीट में डेट फाइनेंसिंग बढ़ाएंगे तो उसका जो रिस्क आता है वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल रिस्क। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? कैसे मेजर करते हैं इसको? फाइनेंशियल गियरिंग से मेजर करते हैं। सो गियरिंग डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, या डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, दोनों फॉर्मूले चलते हैं। सही जी, दोनों। अच्छा, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क होता है मार्केट स्पेसिफिक। सर, मार्केट रिस्क, मार्केट स्पेसिफिक रिस्क, मार्केट
स्पेसिफिक रिस्क, मार्केट रिस्क भी कह सकते हैं इसको, जो कि अराइज होता है जर्नल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से. किसकी वजह से होता है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से. अब आप कोई दो तीन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बता दें. जी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन बता दें, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट. पॉलिटिकल सिचुएशन बता दें, सही है, इकोनॉमिक सिचुएशन का रिसेशन बता दें, एक्सचेंज रेट बता दें, सो एंड सो. एंड इट कैन नॉट बी इलिमिनेटेड, कैन नॉट बी इलिमिनेटेड एलिमिनेटेड. थ्रू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बना लेना, तब भी ये रिस्क आप इलिमिनेट नहीं कर सकते. अच्छा, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? अनसिस्टमेटिक कंपनी रिस्क होता है स्पेसिफिकली. कंपनी स्पेसिफिक रिस्क. कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जो होता है वो कंपनी की अपनी हरकतों की वजह से आता है. राइट, कैन बी इलिमिनेटेड थ्रू एलिमिनेटेड बाय बाय डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. डाइवर्सिफाइड. डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है भाई? दबे 20 to 25 कंपनीज. हाँ, मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगाए, सही है. एग्जाम्पल क्या होगी? इन्वेंट्री लॉस सकते हैं. किसी कंपनी के सीईओ का रिजाइन कर देना. यस, और सर ऐसे कुछ बोल सकता सर. पीएसओ वगैरह था, कोई ऑयल कंपनी है, उनके अपने कुछ मतलब कुछ भी इशू हो सकते हैं. इन्वायरमेंटल वायलेशन केसों की, जी. डायरेक्टर्स क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़े गए, एनरॉन, सही है. तो ये थ्योरी सही है, डिस्कशन जो आपको हेल्प करेगी इसका जी सर. आंसर स्ट्रक्चर करने. अच्छा जी, व्हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट. बड़ा सिंपल सा आंसर हो सकता है इसको. सर एक तो ये था कि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का था, जिसकी वजह ये थी कि डेट जो होता है उसके लिए सिक्योरिटी रखवाई जाती है. हाँ, डेट प्रायर एक तो चार्ज ये होता है, रीजन हो सकता है. डेट प्रायर चार्ज होता है, इक्विटी जी प्रायर चार्ज नहीं होती, सही है. डेट जैसे में सर डेट जो सिक्योरिटी होता है होती इसकी है, इश्यू कॉस्ट कम होती है. कभी सही है, सही है. फिक्स्ड ये चीप पड़ता है. उसको आप क्या रीजन लिखेंगे? डिविडेंड फिक्स नहीं होता, व्हाइल इंटरेस्ट क्या होता है? गारंटीड होता है. कंपलसरी. बिल्कुल. तीन रीजन बहुत है. प्रायर चार्ज को आप लिख दें, सिक्योरिटी के बारे में लिख दें, फिक्स पेमेंट को लिख दें, तो अल्टीमेटली आपका ये आंसर पूरा. ये अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है ना. थ्योरी प्लस कैलकुलेशन, टू गुड अ क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, टू गुड क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल जो होता है ना प्रैक्टिस करने के लिए. तो वो इस तरह से आप एक सवाल ऐसा ढूंढ लें अच्छा सा, क्योंकि तो आपको एक ही सवाल करने पर काफी ज्यादा मटीरियल मिल गया, काफी ज्यादा मवाद मिल गया आपको इसमें. चलें जी, आगे बढ़ें और चलते हैं कुछ और डिस्कशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड. अच्छा जी, अच्छा, अभी हमने किया था AMH, राइट, AMH किया था जून 13, जून 13 में निपटाया.
हम आ जाते हैं जून 14 में, एक सवाल है जिसमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी टच हुआ है, इसको देख लेते हैं। चले जी, पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 7 मार्क्स की कैलकुलेशन। कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच कुड बी यूज इन अप्रेजिंग द न्यू प्रोजेक्ट, 4 मार्क्स की कैलकुलेशन। 11 मार्क्स की कैलकुलेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। 7 नंबर की थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये हमने भी कुछ देर पहले बैलेंस शीट में बिजनेस वैल्यूएशन में निकाला। तो ये दो थ्योरी के पार्ट और दो ये कैलकुलेशन के। कंपनी क्या करती है जी, कंपनी का इक्विटी बीटा है 0.9। इक्विटी बीटा को यूं लिख दूं, 0.9। कंपनी के पास 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, शेयर प्राइस दी हुई है 7.5। कंपनी के पास 7% बॉन्ड है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है रिडीम होगा 7 साल में, टोटल नॉमिनल वैल्यू है 14 मिलियन, इंटरेस्ट अभी दिया है, मार्केट प्राइस है 107.1। ये मार्केट प्राइस एक्स है या कम है? इंटरेस्ट अगर दे दिया तो ये एक्स हो गई, और इंटरेस्ट अगर देना है तो ये कम होगी, ठीक है। एक्स तो आप ये एग्जाम में ध्यान में रखें, वो आपको कम इंटरेस्ट भी दे सकता है, वो आपको एक्स इंटरेस्ट भी दे सकता है, जैसे कम डिव होती है ना, ऐसे एक्स डिव और कम इंटरेस्ट और कम एक्स इंटरेस्ट भी होता है। द कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच इज डिफरेंट, एक नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो कि क्या है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से डिफरेंट है फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, और आपने एक प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई की हैक्स को, उसका बीटा कितना है 1.2, और कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है 54, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है 12 मिलियन। तो हेक्स को इज अ प्रॉक्सी कंपनी, और इस प्रॉक्सी कंपनी का आपको गियर्ड बीटा दिया हुआ है। कौन सा बीटा दिया हुआ है? गियर्ड बीटा दिया हुआ है। गियर्ड बीटा कितना है 1.2। हमारा गियर्ड बीटा कितना है? 0.9। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का डेटा चाहिए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 4%, एवरेज रिटर्न 11%, और टैक्स रेट चल रहा है 20%। चलिए जी, पहले तो करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फेंसको का निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए कौन सा मॉडल है? अपना बीटा लूंगा इसका मैं 4%, 11%, 0.9, 4%, 11% माइनस 4% मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो व्हाट इज द आंसर? टेन पॉइंट थ्री 10.3। 10.3। अच्छा जी, केडी निकालना है, रिडीमेबल डेट है, क्या निकालेंगे? आईआरआर निकालेंगे। आईआरआर के लिए, आईआरआर के लिए इंटरेस्ट रेट है 7%, मार्केट प्राइस है 160.4। मार्केट प्राइस है 107.34, इंटरेस्ट रेट 7%, कितने साल की? क्या कितने साल में रिडीम होगा? तो वही देखा था। कितना सवाल में? 7 साल में।
सही है जी, वही अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ईयर कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, पीवी, अनदर डिस्काउंट फैक्टर, अनदर पीवी। जीरो, 1 to 7, 7। 0 पे आ गई आपकी 107.14, 7 का इंटरेस्ट आ गया 7 into 0.8, यहाँ पे आएगा सर 7%, 1 माइनस 5.6। सही है, 5.6 सही है। अच्छा जी, तो इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास दिए हुए हैं, बताओ कौन सा फैक्टर लूँ, पहला फैक्टर कौन सा रखूँ। जो 7% ले लेते हैं जो इंटरेस्ट रेट दिए पर। सही है, जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ, तो 6% ले लेते हैं। 6% पे 7 साल में आता है 0.665, 0.665। जी 0.66 फैक्टर अच्छा, उसके अलावा उसका जो एन्यूटी फैक्टर है 7% का, आएगा। 7% का एन्यूटी फैक्टर है 5.582। ये हो गया ये भी तो मैं यहाँ पे वन, एनयूटी का फॉर्मूला लिख दीजिए। एन्यूटी का फॉर्मूला लिख दूँ, 1 - 1 + r पावर n/r। माइनस एन लगेगा, सही, पावर माइनस एन है, लेकिन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, टेबल इस्तेमाल करना है। टेबल किस लिए दिया है, 5.6 को 5.582 से मल्टीप्लाई करो, 31.2592। 31 बोल रहे हो, तो 31 31.29। नेक्स्ट बता। 25 सही है, सही है, 2 डेसिमल पे काफी होते हैं। टोटल वैल्यू निकाल, ये आ रहा है 9 - 9.35। सही। अगला रख देते हैं 3%, 3% पे एन्यूटी फैक्टर आएगा 6.230, 6% पे पीवी फैक्टर आएगा, 3% पे पीवी फैक्टर आएगा 0.813 0.813। मल्टीप्लाई कर, जीरो पॉइंट एट वन थ्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 66.5 54 पॉइंट तो नहीं निकल सके 100। 20 इसका मैं बता रहा हूँ 7 जो प्रेजेंट वैल्यू बता रहा हूँ 81.3 सर। नीचे नीचे यहाँ जी 81.3। हाँ लिख दी, 5.6 into 6.230, तो ये आ रहा 34.9। प्लस माइनस करो, 9.06 पॉजिटिव। IRR का फॉर्मूला लगा दी, स्मॉल रेट आ गया 3%, 9.06 डिवाइडेड बाय 9.06, माइनस माइनस प्लस 9.35 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3%, व्हाट इज IRR आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट।
4.47 4.47, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गया और कॉस्ट ऑफ डेट भी आ गया। अच्छा जी, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें मार्केट वैल्यूज चाहिए। मार्केट मार्केट वैल्यूज सबसे पहले हमें चाहिए होंगी इक्विटी की। इक्विटी के मार्केट इक्विटी वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स शेयर 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस जी जी तो वो दिए दस हैं 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 7.50। सेवेंटी फाइव सही है। हाँ तो यहाँ पे सिर्फ रिडीमेबल डेट था ना, एक ही डेट था इस बार। एक ही डेट था, एक ही डेट। उस डेट की टोटल बुक वैल्यू दी हुई थी तीसरी लाइन में, टोटल नॉमिनल वैल्यू है 14 मिलियन। 14 मिलियन की टोटल नॉमिनल वैल्यू है 14 मिलियन की, इसको 100 से डिवाइड करो और 107.14 से मल्टीप्लाई। ये सर ये इनको राउंड ऑफ ले लें, 15 आएगा पूरा राउंड ऑफ लेते हैं। ये टोटल कितना हो गया 19, ये है 14.999। सही है, चलेगा चलेगा चलेगा। 10.3 कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई थी, डब्ल्यू ए सी सी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय वी डी डिवाइडेड बाय वी ई प्लस वी डी। सही है, तो ये आ गया था आपका 10.3। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 75/90, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया आपका 4.47 मल्टीप्लाई बाय 15/90। चलेंगे डब्ल्यू ए सी सी ये आ रहा है 9.32। 9.32 ये एग्जिस्टिंग डब्ल्यू ए सी सी हमारा आ गया। पहली रिक्वायरमेंट हो गई, 7 मार्क्स ही डन। ठीक है चलेंगे आगे बढ़े। अगली रिक्वायरमेंट में क्या करना, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट। क्या स्टेप्स होते हैं सर? सबसे पहले प्रॉक्सी कंपनी के बीटा को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको अनगेट करेंगे, उसके बाद फिर अपने एग्जिस्टिंग बीटा के साथ उसको गेट करेंगे। बीटा के साथ या गियरिंग के साथ? सर ये अपने गियरिंग सर बीटा के साथ, हमारा इक्विटी, हमारा इक्विटी बीटा तो इररिलेवेंट है। प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉक्सी कंपनी का बीटा लेंगे, उसको एसिड बीटा में कन्वर्ट करेंगे, उस इस एसिड बीटा पे अपनी गियरिंग डालकर उसको रीगियर करेंगे, अपने गियरिंग और फिर फाइनली कैपिटल से हम लोग पॉसिबिलिटी निकाल। यस, तो चार नंबर के लिए हमारे पास जो प्रॉक्सी कंपनी है वो है hex.com 1.2 hex है 1.2 और इसका इक्विटी है 54 मिलियन और उसकी डेट है 12 मिलियन। तो हम हेक्स को करते हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक का आर्टिकल मैंने रेफर किया था ना उसको भी एक दो दफा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आर्टिकल। सो हमारे पास एक प्रॉक्सी कंपनी है हेक्स, प्रॉक्सी कंपनी का बीटा कितना दिया हुआ है, हेक्स का बीटा कितना है 1.2, 1.2 हेक्स का बीटा है 1.2। क्या हेक्स गियर्ड कंपनी है? तो ये जो बीटा है वो गियर्ड बीटा है, ठीक है,
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है हेक्स की? 54 मिलियन। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है हेक्स की? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट थी 12 मिलियन। टैक्स रेट कितना है? 20%। डेट बीटा तो नहीं दिया वो, तो अगर डेट बीटा नहीं दिया हुआ तो क्या करें? तो जीरो होता है अजम्पशन ली हुई है। क्या अजम्पशन ली हुई है? अजम्पशन अजम्पशन ये होता है ना, जीरो होता है। डेट बीटा इज इक्वल टू जीरो, सही है, अजम्पशन लेके चल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए अगर ये अजम्पशन ना हो तो फिर क्या होता, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? सर ये अजम्पशन की रीजन क्या था जीरो लेने का? ये अजम्पशन का जो रीजन है ना, वैसे तो मैं बता देता हूँ लेकिन जो आर्टिकल मैंने तुम्हें रेफर किया ना उसके अंदर बड़ा अच्छा रीजन लिखा था। इसका रीजन ये होता है कि डेट का जो बीटा होता है ना वो इक्विटी के मुकाबले में, डेट क्योंकि ज्यादा सेफ साइड पे होता है तो डेट का जो बीटा होता है ना वो बहुत निगलिजिबल होता है, और जब 1 - t करते हैं तो वो और निगलिजिबल हो जाता है। तो इसको इग्नोर किया जा सकता है, इसको इग्नोर करने में कोई मसाइल नहीं है। तो एसेट बीटा निकालने के लिए उसका इक्विटी बीटा दिया हुआ है, गेट बीटा दिया हुआ है, इक्विटी बीटा या गेट बीटा 1.2, उसकी मार्केट वैल्यू है 54, 54 प्लस 12, 1 - 0.2, कैलकुलेट करें। सही आ रहा है 1.01। ये आ गया एसेट बीटा। अब क्या करें इसको? सर अपने गेट बीटा के साथ साथ तो गियरिंग किसकी इस्तेमाल होगी? सर हमारी हमारी गियरिंग कितनी थी? ऊपर हमने सवाल में अपनी गियरिंग इस्तेमाल की है 75 और 15 जी। तो बीटा आ गया आपके पास 1.01। दोबारा इसको फॉर्मूले में डालें, इसी फॉर्मूले में डाल दें। अब गियरिंग चेंज हो जाएगी तो 1.01 आ गया, बीटा ई अननोन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 75 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 15 इंटू 1 - 2। तो 1.01 इज इक्वल टू बी ई, इसको पूरा सॉल्व कर लें। तो ये आ रहा है 0.862। तो डिवाइड कर देंगे जाएगा 1.01 डिवाइडेड बाय 0.862। सर इसका आंसर आ रहा है 1.1716। ये गियर्ड बीटा। इसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में डालें। तो ये था 4%, ये था 11% माइनस 4% मल्टीप्लाई बाय 1.1716। सर 12.2%। 12.2% क्या आ गई है? प्रोजेक्ट
स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन पूछा गया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सही है। अच्छा सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क का डिफरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन हमारी फिर हो जाएगी डन सही। ये भी एक पास पेपर का सवाल है, अगेन द सेम रिक्वायरमेंट, क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन रिलेटिव कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिटर हायरार्की। क्रेडिटर हायरार्की क्या होती है, हायरार्की क्या होती है, पहले किसको पेमेंट करते हैं, वो ट्री होती है ना, पहले किसको पेमेंट करते हैं, सिक्योर क्रेडिटर से अनसेक, उसके बाद किसको पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर फाइनली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ये कहलाती है क्रेडिटर हायरार्की। तो ये जो हायरार्की बनी हुई है रिस्क की बेसिस पे बनी हुई है ना, सही है। यह हायरार्की और रिलेशनशिप मैंने बहुत सिंपलीफाइड वे में बता दिया, इसको आपको थियोरिटिकली एक्सप्लेन करना है आराम से मसला हल हो जाएगा। ये हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक है, हॉट टॉपिक, इस्लामिक फाइनेंसिंग और कन्वेंशन फाइनेंसिंग में क्या फ़र्क होता है, वैसे एक दो बातें कर लेते हैं, क्या फ़र्क होता है इस्लामिक और कन्वेंशनल में। सबसे बड़ा फर्क तो इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट, रिबा, इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड सही है जी। और बताओ एक फर्क और बताओ, सर बाकी जो है तो सर आप इनको डाल सकते हैं मुदारबा, बता दो। नहीं वो कोई पूछा, डिफरेंस पूछा, हाँ स्पेकुलेशन, शरिया हमें स्पेकुलेशन अलाउ नहीं करती, और सर इंश्योरेंस, सब तो इंश्योरेंस उसी में कवर हो जाएगा स्पेकुलेशन। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी एज पर शरिया, नॉन शरिया कंप्लाइंट काम नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी था, पेनल्टीज, पॉर्क, पॉर्क नहीं कर सकते सही। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इस्लाम में हलाल नहीं सही, गैम्बलिंग, बैंकिंग बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, तो ये सिंपलीफाइड आप डिफरेंस लिख सकते हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा। और ऐसा ये भी है ना इस्लामिक फाइनेंसिंग में पेनल्टीज नहीं होती, हाँ पेनल्टीज नहीं। अच्छा जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी, ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए, लोन नोट दिया हुआ, बैंक लोन, चार कॉम्पोनेंट हैं ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स की करंट प्राइस चल रही है दिस वन, पार वैल्यू दिस वन, ग्रोथ है 4%, डिविडेंड आपने ये दिया, कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा सर, ये होगा हमारा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सही, ये फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है, डिविडेंड है सर, डिविडेंड दिया हुआ है, ग्रोथ है 0.25 into 1 plus 4% divide by 4.26 plus 4%. आंसर निकाल,
सर 10.1%। अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स, सो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 5% डिविडेंड है और मार्केट प्राइस क्या है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है? अच्छा रिडीमेबल डेट है दूसरा, तीसरा सर रिडीमेबल डेट तो आईआरआर, अब हम बहुत कर चुके हैं आईआरआर, मैं डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिखता हूं आईआरआर जी, क्या आईआरआर क्या होगा, और हम बैंक लोन सिंपलीफाई निकाल के निकाल लेते सही। तो आपका इसके अंदर जो आईआरआर बनेगा वो बनेगा 5.6%, ये मैं लिख देता हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है खुद कैलकुलेट कर लेंगे। और वो रिडीम, एक तो 5.6 आ गया, ये रिडीमेबल का आईआरआर हमने मेथड से कैलकुलेट करके, और सर एक बैंक लोन भी दिया, बैंक लोन तो सिंपल है, बैंक लोन का 7% इनटू 1 माइनस 25 7% तो ये आ रहा है 5.25% 5.25% सही। अच्छा जी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, 23,000 इसकी इक्विटी की वैल्यू है और पार वैल्यू है 0.25, नंबर ऑफ 92,000, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 4.26 से मल्टीप्लाई करके, सर 423,200 रॉन्ग, दोबारा बता थ्री नाइन वन नाइन टू जीरो प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस है 5,000 के 0.56, रेट क्या इसका 5,000 इनटू 0.56 2,800। अच्छा जी, डेट दिया हुआ है 11,000 और मार्केट प्राइस चल रही है 95.45 104 फिर होते हैं क्या 10,500 और बैंक लोन, बैंक लोन दिया हुआ है 3,000 टोटल का ना, फोर
अब इसकी बेसिस के ऊपर आप WACC का फॉर्मूला लगाएंगे, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर, तो WACC आएगा 9.9%, अप्रोक्सीमेटली 10%। ठीक है, तो ये हमने क्विकली जो है ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल लिया, क्रेडिटर हायरार्की को भी डिस्कस कर लिया, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक फाइनेंस एंड अदर कन्वेंशनल फाइनेंसिंग मेथड भी। ये स्लाइड एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, और उसके बाद इसको रैप अप करते हैं आज के लिए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, गियरिंग के ऊपर ये टॉपिक है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का गियरिंग लेवल क्या होना चाहिए, और ये टॉपिक ऑलरेडी किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए जो वेल्थ कैलकुलेट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस यूजिंग WACC। ये कंपनी की वेल्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि इफ वैक इंक्रीजेस वैल्यू गोज डाउन, एम आई राइट, इफ वैक डिक्रीजेस वैल्यू गोज अप, तो शेयर होल्डर आपसे क्या बोलेंगे डायरेक्टर से कि भाई वैक डिक्रीज करो यार, तो वैक कैसे डिक्रीज होगा, व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, द लेवल ऑफ डेट एट विच वैक इज मिनिमम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अक्सर क्लास में कि यार एक ऐसा तरीका, ऐसी लड़की बताएं जो हर लिहाज से बहुत अच्छी, दुनियावी लिहाज से भी, दीन के लिहाज से भी, तो आप कहेंगे कोकाफ चले जाएंगे, वहीं मिलेगी, वरना मुश्किल काम। लेकिन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो मिल सकता है, लेकिन उस पर टाइम ज़ाया करने की वजह हम उसको रेफर करते हैं थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो आर्टिकल मैंने रेफर किया वो पढ़ लें तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है। इसमें तीन मशहूर थ्योरीज हैं, एक है ट्रेडिशनल व्यू, दूसरा है MM आफ्टर टैक्स थ्योरी, सही है, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स तो बेकार है, और तीसरा वर्जन क्या है, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है, एक ऑप्टिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पर वैक मिनिमम हो जाएगा, वैक गोज डाउन एंड देन गोज अप, सही है। अच्छा बी क्या कहता है, तो ये कहता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, ठीक है, अच्छा बी क्या है, मोडिग्लानी, मोडिग्लानी क्या कहता है, सर इसकी दो थ्योरीज है ना, एक विदाउट टैक्स और टैक्स, विदाउट टैक्स तो बेकार है यार, विदाउट टैक्स ही कोई इंपॉर्टेंस, तो अभी हम सिर्फ टैक्स वाली चीज बताएं, विदाउट टैक्स ही कोई इंपॉर्टेंस है तुम्हारे नजदीक, हां नहीं सर, वैसे आजकल तो लाजमी द टैक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो जो इसने
assumptions नहीं है, वो real life में कहाँ होती है। तो उसने तो वो, before text तो उसने खुद ही खत्म कर दी ना मॉडिगलानी ने। मॉडिगलानी ने जब after text model दिया तो before text की क्या importance रही? खत्म हो गई। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है? ठीक है सर, वही कह रही है कि सबसे पहले आप अपनी रिटेन अर्निंग इस्तेमाल करें, नो उसके बाद नो ऑप्टिमम, बिल्कुल कंपनी शुड फॉलो एन ऑर्डर, कंपनी शुड फॉलो एन ऑर्डर, फर्स्ट यूज इंटरनल फंडिंग, देन डेट, देन इक्विटी, सेकंड डेट फाइनेंसिंग। अब इसका बहुत अच्छी तरह से ना तुम्हें क्यों का जवाब पता होना चाहिए, जी जी, एंड थर्ड और लास्ट इक्विटी फाइनेंस। अच्छा, इसका जो क्यों का आंसर है ना वाई, वो आपको उस आर्टिकल से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। आर्टिकल के अंदर आप वो क्यों का आंसर पढ़, बेहतरीन आंसर लिखा हुआ। तो जब आप वो क्यों का आंसर पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपसे वेनेसडे वाले दिन पूछूंगा कि भाई वो क्यों का जवाब दे मुझे, क्यों पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पहले रिटेन अर्निंग, फिर डेट फाइनेंसिंग, और फिर थर्ड पे इक्विटी को क्यों रेफर करें।